अस्सलाम वालेकुम। आज हो रही है हमारी सहरी, और सहरी में मैं ये नहीं खा रही हूँ, ये सारी चीज़ें इतना मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। इनको ये शामे कबाब बर्गर खाना था, मैंने थोड़ी सी खीर खाई थी और थोड़े से फ्रूट्स लिए थे जिसमें से तरबूज था, खरबूजा था और पानी था बस। और ये मैं मास्टर शेफ़ देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, रोज़ाना देखती हूँ मैं रात को। तो ये फ्रूट्स खा रही हूँ क्योंकि मेरा पेट इसलिए भरा हुआ था, मैंने खा लिया था पहले ही थोड़ा बहुत ना, मेरी भूख नहीं थी मुझे, तो मैंने अब सिर्फ खीर और थोड़े से फ्रूट्स ले लिए थे और फिर मेरा रोज़ा बंद है। तो बहुत मज़े की खीर बनी हुई थी, मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरी स्पेशल खीर है, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सीख कबाब, तो सीख कबाब के लिए दम दे दिया है और मैरिनेट भी कर दिया है। यहाँ पर मैं फ्रेंच पॉन्च कर रही हूँ, फ्रेंच टोस्ट टाइप में बना रही हूँ, ब्रेड के ऊपर स्लाइस पे चॉकलेट न्यूटेला की और ब्रेड क्रम्स में अंडा डाल कर ये सारी चीज़ें कटिंग करके डालूँगी। ठीक है, तो ये मैं सारी की तैयारियाँ कर रही हूँ और साथ ही साथ जो है दूसरी चीज़ें भी प्रिपेयर हो रही हैं साथ साथ, और बस ब्रेड क्रम्स का वही चूरा है जो मैंने कल आपको दिखाया था, ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने ब्रेड टोस्ट की थी। चलिए जी, इफ्तारी जो है हमारी होने लगी है, टाइम फिनिश्ड है, बस अब इसके बाद इफ्तारी करते हैं। बहुत छोटा सा व्लॉग था क्योंकि आपको पता है जब डेली व्लॉगिंग बंदा करता है उसके पास इतना कुछ नहीं होता दिखाने के लिए, तो बस मेरा भी कुछ यही हाल है। अच्छा, सीख कबाब के लिए मैंने यहाँ पर ना स्क्यूअर्स ख़त्म हो गई थी, तो मैंने क्या बोलते हैं उसका नाम, स्ट्रॉस को, तीन स्ट्रॉस को मैंने एलुमिनियम में फोल्ड कर लिया था अच्छे से और इस पर तेल ग्रीस किया था और इसको अच्छा खासा हाथ में तेल लगा कर इसको मैंने लगा लिया और बहुत अच्छे तरीके से या तो ऐसे ही निकाल लें या तो इसको पहले लगाएं इस पर और फिर बना लें। पहले इसको याद रहे, इसको ऐसे ही फ्रीज ना कर दें बना कर, पहले इसको हल्का सा 10-10 सेकेंड के लिए इसको सेक लें उसके बाद करें ताकि आपकी जो सीख कबाब है टूटे ना। ठीक है, और यहाँ पे मैं ना ट्राई मार रही थी मालपूड़े की, लेकिन बना नहीं था, कभी ट्राई करूँगी और रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही कोई फेल्ड मालपूड़ा बना था मुझसे, बिल्कुल भी अच्छा मालपूड़ा नहीं बना। मेरे हस्बैंड ने करी थी कि यार तुम बनाओ कि मुझे खाना है, नहीं बना सकी। अब इंशाल्लाह वापसी ट्राई करूँगी। चले अगले ब्लॉग में मिला फिर।